चैन स्टूडेंट्स, तो हीरोज फॉर्मूला क्लास नाइन्थ ऑडिशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन को। एक्सरसाइज है आपकी 12.1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन में देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि हमें ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी हमें तीनों साइड्स दी हुई है। क्या दी हुई है, तो साइड्स आर रेस्पेक्टिवली, तो साइड्स कौन कौन सी है उसकी, एक साइड आपको 150 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरी साइड आपको 120 सेंटीमीटर दी हुई है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक साइड होगी आपकी 150 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी साइड हो गई यानी एसी 120 सेंटीमीटर, और जो बेस है यानी बीसी जो है वो हमने क्या मान लिया, 200 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका एरिया जो फाइंड आउट जो हमें करना होता है वो किस फॉर्मूले से यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले को। तो देखते हैं पहले हीरोन्स फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले मैं फॉर्मूला नोट कर देता हूं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम हीरोन्स फॉर्मूला नोट करते हैं, तो उससे देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला होता है यहां पर क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, एस, फिर क्या होगा आपका, एस माइनस फर्स्ट साइड, यहां पर एस जो है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा एस क्या है। ठीक है ना, तो क्या होगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी कि जो भी आपकी फर्स्ट साइड होगी, यानी फर्स्ट साइड जो भी आपने मानी, जो भी ए की वैल्यू है। फिर क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसके साथ क्या होगा आपका, फिर सेकंड ब्रैकेट होगा, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, एस माइनस बी और फिर से एस माइनस सी, यानी कि एस, एस क्या होगा आपका यहां पर, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट जो एरिया जो होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट में लेंगे एस यानी सेमी पैरामीटर, ब्रैकेट में सेमी पैरामीटर जो भी आपका आएगा, माइनस फर्स्ट साइड जो इसकी निकलेगी, जो भी फर्स्ट साइड जो आपको गिवन होगी वो, ठीक है, और फिर माइनस एस माइनस बी यानी सेकंड साइड सेमी पैरामीटर में से, और फिर एस माइनस सी यानी सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड हो जाएगी, सी जो हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तीनों साइड होगा जो भी माइनस करके आएगा इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एस की वैल्यू क्या होती है, यानी सेम पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल अपॉन टू, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड जो भी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू में भी हो सकता है कुछ और दी हुई हो, थ्री में कुछ और दी हुई हो, तो यानी तीनों साइड्स को सम करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एस की वैल्यू आ जाती है, यानी सेमी पैरामीटर जो निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट देख लेते हैं हम, ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ए इज इक्वल टू क्या है 150, और B की वैल्यू क्या है आपको 120, और C की वैल्यू क्या दी हुई है 200 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये सारी जो वैल्यूज हैं आपको सेंटीमीटर में गिवन होगी। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो S की वैल्यू निकाल लेते हैं, S इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 और प्लस कितना हो जाएगा 120 प्लस 200 यानी C की वैल्यू एंड अपॉन 2। तो अगर हम यहां से ऐड करते हैं 200 प्लस 120 प्लस 150, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 470, तो क्या मिलेगा हमें 470 यानी 470, 470 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए क्या हो जाएगा 235, क्या हो जाएगा 235। ठीक है, तो ये किसकी आपकी वैल्यू आ गई, एस की, क्योंकि एस की वैल्यू हमें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला में सबसे मेन चीज क्या है, एस की वैल्यू, तो वो हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट इस एस की वैल्यू को रख के हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू यानी सेमी पैरामीटर क्या है आपका 235, तो रख देता हूं मैं 235। अच्छा, फिर क्या करना है, 235 यानी एस की वैल्यू माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है 150। ठीक है ना, तो 235 माइनस 150 यानी ए की वैल्यू यानी फर्स्ट साइड, फिर सेम इसी तरीके से 235 सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड, सेकंड साइड कितनी आपकी गिवन है 120 है। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से 235 यानी एस की वैल्यू और माइनस थर्ड साइड यानी कि 200। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाता हूं मैं और 235 यानी एस की वैल्यू, अब 235 में से जब हम 150 को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा हमें 85 मिलेगा। ठीक है ना, 235 में से 150 करते हैं तो देखो सिंपल है,
भाई 200 में से अगर 150 करे तो 30, और फिर ये 35 जोड़े तो कितना हो गया, 85 आ गया, ठीक है। फिर 235 में से हमने क्या करा, 120 माइनस कर दिया। अब इसे अगर आप 120 अगर इसमें से माइनस करोगे आप 235 में से, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 कितना हो जाएगी, 115, ठीक है, क्या मिलेगा, 115, ठीक है जी, 115 हो गया। और 235 में से 200 माइनस कर दो, कितने बचे आपके, 35, ठीक है। अब सबका हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी 235 into 85 into 115 into 35। तो स्टूडेंट अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए आप सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे, कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है, ठीक है ना। तो यहां से स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी आपकी, यहां से स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 8039, ठीक है, 8039975, यानी कि 8,03,99,375, ठीक है। अब हम स्टूडेंट करना क्या होगा, 8,03,99,375 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो यानी हमें आंसर कब मिलेगा आपको, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, अंडर रूट लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट, तो हमें यहां से मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हम 8,966.56, यानी कि 8,966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आता है, तो हमें ये यूनिट भी नोट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपको फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया एस की वैल्यू, और फिर आपको इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और लास्ट में आपके आके आपको स्क्वायर रूट लेना है कैलकुलेशन करने के बाद, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं।